हजारों लोगों का एक समूह है जो अपने दुख और दर्द को दूर करने के लिए लगातार लगातार इकट्ठे हो रहे हैं बिना किसी व्यक्ति के बिना किसी नेता के सभी के सभी जितने भी लोग हैं सत्तर सालों में इन लोगों ने हजारों तरह के जो संगठन हैं चाहे वो दल बल लड़कों के हों सेना वॉल्टियर या फिर सरकारी कर्मचारियों के हों उनकी एसोसिएशन हो, या फिर राजनीतिक दल हो या जो धमकी बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं वो हैं या वो संस्थाएं हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी और लोगों से चली नहीं और लोगों ने उनके संगठित करने के नाम पे असंगठित कर दिया और उनके हजारों टुकड़े कर दिए ऐसे हजारों साधारण लोग मेरी और आपकी तरह बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से कि बाबा साहब अम्बेडकर जो सुविधाएं हमारे लेके आए थे वो सुविधाएं एक 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 करके सारी की सारी खत्म कर दी गई और ये नेता देखते रहे इन नेताओं ने कोई आवाज़ नहीं उठाई आवाज़ उठाने का नाटक जरूर किया क्योंकि अगर ये सच्चे मन से या सच्ची समझदारी से या असली समझदारी से या इंटेलेक्चुअल लेवल पर या बुद्धिमता से या अपने आप को बुद्धिमान मानते हुए अगर ये आवाज उठाते तो ये बाबा साहब के उस सेंटेंस को हमेशा याद रखते कि संगठित रहो तब संघर्ष करो बिना संगठन के बिना संगठित हुए कोई संघर्ष या कोई लड़ाई जीत जाए ये बहुत कम होता है जैसा बाबा साहब के साथ हुआ क्योंकि बाबा साहब के साथ में एक अपॉर्चुनिटी थी उस समय सरकार ब्रिटिश थी ब्रिटेन के लोगों की सरकार थी इसलिए दमन होने का जो चांस था वो बहुत कम था और बाबा साहब ने जो डिमांड की और जो मानी उन्होंने समझदारी से उसको देखा प्लेस किया और माना अभी वो हालात हैं नहीं इसलिए जितने भी लोग विदा पीपल में साधारण आपकी तरह हमारी तरह हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हमको इकट्ठा होने के लिए किसी नेता की या किसी लीडर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाबा साहब ने जब ये कहा था कि संगठित रहो तो ये नहीं कहा था कि कोई लीडर होगा तभी संगठित रहो या कोई लीडर आएगा कोई नेता आएगा और वो आपको कहेगा तभी संगठित होना है जो बुद्ध थे जब उन्होंने संघ बनाया तो उन्होंने आनंद को मरते समय कहा था कि आनंद आखिरी भिक्कू मत बन जाना इसका मतलब यह था कि आनंद आगे भी संग बनाते रहना भिक्कू बनाते रहना जब आप मर जाओ उसके बाद भी काम चलता रहे और ऐसा ही हुआ क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद जो धम है वो आपका लीडर होगा आपको रास्ता दिखाएगा ऐसे ही जितने संत महापुरुष आए उन्होंने कहा संगति करो संगत में रहो सारे लोग मिलकर एक साथ साधना करो तो संगति और संघ के लिए जो बोला है वो सारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कहा है किसी महापुरुष ने कभी ये नहीं कहा कि आप अलग अलग रहो या अलग अलग रह कर काम करो इसी तरह बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो इसका मतलब संघ बनाओ साथ रहना है और बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो गणराज्य संघ पर आधारित था यानी भारत को संगठित करने के आधार पर था जिससे भारत के लोग और भारत संगठित हो गया वही संविधान वही बात बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कहा कि संगठित रह के संघर्ष करना है मगर यहाँ तो दसियों हजार संगठन के नाम पे लोग अलग अलग हो गए और टुकड़े बन गए दरअसल उन्होंने संगठन तो बनाए मगर संगठित रहने की बात को समझ नहीं पाए वो इतने बुद्धिमान नहीं थे इसलिए उनके संगठन लगातार टूट टूटते गए टूटते गए टूटते गए इसका सीधा सा कारण यह था कि उनके जो संगठन थे वो उस आधार पर बने हुए थे जो पुराना आधार है जिसमें एक राजा होता है एक कोषाध्यक्ष होता है एक महामंत्री होता है कुछ उसके दरबारी होते हैं मंत्री होते हैं वैसा ही सिस्टम उन्होंने बना दिया जिसमें वो एक प्रधान होते हैं एक उनका जनरल सेक्रेटरी होता है एक उनका जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है और कुछ उनके सेक्रेटरी वगैरह जो उनके मेंबर होते हैं और बाकी दरबारी होते हैं जिनको सी का मेंबर बोलते हैं तो वही सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया और वो लड़ाई क्या करना चाहते हैं संविधान की यानी कि बराबर की डेमोक्रेसी की, की जब स्ट्रक्चर ही गलत लिया है तो संविधान की लड़ाई लड़ोगे कैसे कम से कम पहले अपने लोगों को इकट्ठे करने में संवैधानिक स्ट्रक्चर तो लागू करना चाहिए ये बात वीदा पीपल के कुछ लोगों ने समझी और जानी उन्होंने कहा कि हम वीदा पीपल को लोगों को जब इकट्ठा करेंगे तो भारत के गणराज्य संघ का जैसा स्ट्रक्चर है जैसा बाबा साहब ने दिया है और जैसा बुद्ध का था सबको बराबर सबकी बात सुनना और सबकी बात की सहमति पे, यानी बहुमत पे आधार पर नियम बनाना ऐसा जानकर ऐसा मानकर उन्होंने संविधान के सारे नियम को एडॉप्ट किया और अपना नेता संविधान को माना और जो संगठन बनाने के नियम थे वो बुद्ध के संघ के विनय पीटक से लिए गए और काम शुरू हो गया और बहुत सारे साधारण लोग इकट्ठे हो गए ये जानकर यह मानकर कि जब हमारा एक अधिकार चला गया था दो अप्रैल अट्ठारह को उस समय नेता सड़क पर नहीं आए नेता अपने घर बैठे रहे सभी प्रकार के नेता मगर आम जनता सड़क पर आ गई इकट्ठी हो गई और बिना नेता के उनका वो अधिकार वापस आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो बाबा साहब की ये बात सिद्ध हो गई कि संगठित रहने के लिए नेता की आवश्यकता नहीं होती है नेता को छोड़ा जा सकता है क्योंकि नेता जितने भी आए हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं हमने कभी उनको चुना नहीं है दरअसल वो सारे सारे मनोनीत नेता हैं स्वयं शंभू नेता हैं वो खुद ही नेतागिरी करनी शुरू कर देते हैं खुद ही चंदा लेना शुरू कर देते हैं और खुद ही वो नेता बन जाते हैं कभी उन्होंने पब्लिक से नहीं पूछा कि मैं नेता के काबिल हूँ भी या नहीं या मुझ में नेता का गुण है भी या नहीं क्या मैं लीडरशिप कर सकता हूँ या नहीं या लोगों मुझे बताइए कि मैं कैसा नेता हूँ या मेरा आकलन कीजिए दरअसल वो स्वयं संभू नेता हैं और जब कभी दो नेताओं में झगड़ा होता है तीन नेताओं में झगड़ा होता है तो वो तीन टुकड़े कर लेते हैं और तीनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं फिर उनके टुकड़े होते चले जाते हैं इसलिए नेता हमने नहीं चुना कभी हमारी इच्छा से कोई हमारा नेता कभी नहीं आया तो लोगों ने कहा कि जब हम नेता को चुनते नहीं हैं नेता हमारी मर्जी से आया नहीं है और वो स्वयं संभू नेता हैं तो ऐसे नेता हमारा क्या उद्धार करेंगे क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि सत्तर साल में जो हमारे पढ़ाई का अधिकार था वो चला गया जो हमारे आरक्षण के अधिकार थे वो चले गए जो सरकारी नौकरियां मिलती थी वो चली गई ज़मीन हमारे पास है नहीं इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं फैक्ट्री हमारे पास है नहीं जो कहीं व्यापार का साधन या दुकान है वो हमारे पास है नहीं और समाज में उच्च स्थान हमारा है नहीं तो इसलिए अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने कहा है कि आपको संगठित रहना है क्योंकि लड़ाई लड़ने का मतलब जो हमें बताया जाता है वो ये होता है कि आमने सामने लड़ाई होगी अगर आमने सामने लड़ाई होती है तो उसमें एक व्यक्ति की हार एक व्यक्ति की जीत होती है और हमेशा कमजोर हारता है इसलिए बाबा साहब ने संघर्ष की बात कही कि संघर्ष करना है क्योंकि संघर्ष करने में जब आप इकट्ठे होते हैं तो उसमें आपकी जीत दो होती है और संवैधानिक संघर्ष में नुकसान आपको कभी नहीं होगा जैसे दो अप्रैल अट्ठारह को आप सिर्फ सड़क पर आए थे और आपका एक फ़ायदा हो गया ऐसे ही अगर आप परमानेंट इकट्ठे हो जाएंगे हमेशा के लिए इकट्ठे हो जाएंगे तो आपका कोई नुकसान तो होगा ही नहीं जो नुकसान हो चुका है वो वापस आ जाएंगे और फिर आपके लिए ऐसे नियम बनने शुरू हो जाएंगे जिससे कि आपको फायदा ही फायदा होगा और देश आगे बढ़ेगा देश को तरक्की होगी संविधान को अपना नेता मानते हुए और विनय पीटक के नियमों को साथ में रखते हुए सभी लोगों ने आपस में आना जाना शुरू किया इकट्ठा होना शुरू किया तो जूम मीटिंग होती हैं कॉर्नर मीटिंग होती हैं नुक्ड़ मीटिंग होती हैं अलग अलग तरह से मीटिंग होती हैं मीटिंग के नियम हैं जो पास किए गए हैं सभी ने मिलकर पास किए गए हैं पूरा हाउस होता है पूरा सदन होता है जो उसको पास करता है आपकी भागीदारी भी हो सकती है अगर आप उस हाउस के मेंबर हैं तो उस हाउस के मेंबर बनने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को सुनने के बाद अच्छी तरह से मनन करने के बाद ध्यान करने के बाद में आप विदा पीपल के किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न कर सकते हैं इसमें कुछ फोन नंबर दिए हुए हैं उनसे प्रसन्न कर सकते हैं अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं फिर आप एक निर्णय ले सकते हैं कि आपको बिना लीडर के समाज के साथ आना है या अभी लीडर के साथ ही जाना है ये आपकी चॉइस है ये आपका क्योंकि बिना लीडर के रिजल्ट आ जाते हैं ऐसा देखा गया है एक बार इसको देखने में एक बार इसको आजमाने में कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि संविधान लोगों के लिए होता है लोगों का होता है लोगों के द्वारा होता है ऐसे ही विदा पीपल संविधान पर आधारित है लोग ही इसको सा, साधारण बना रहे हैं लोगों के लिए हैं और लोगों का ही ये है तो विदा पीपल पब्लिक का है डेमोक्रेटिक पब्लिक का है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पब्लिक का है यानी भारत के गणराज्य के लोगों का है और संविधान पर आधारित है जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनके 300 जो सहयोगी थे उन लोगों ने मिलकर इसको बनाया तो जब आप अपनी जिज्ञासा पूछेंगे अपने प्रश्न पूछेंगे तो कोई ना कोई आपको आंसर करेगा अगर नहीं कर पाता है तो जूम पर मीटिंग लगती है विदा पीपल के नाम से सब्जेक्ट वाइज लगती हैं रोज़ लगती हैं आप उसमें आइए आपको उसमें आमंत्रण है आप उसमें अपना परिचय दीजिए लोगों से मिलिए जानिए देखिए और जब आपको समझ में आ जाए तो आप किसी व्यक्ति से कह सकते हैं कि मैं इस हाउस का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ वो हाउस के नियम आपको और भी ज़्यादा बताए हाउस में किसी भी व्यक्ति का जो एंट्रेंस होता है या जो उसको आना होता है या वो जब जुड़ता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो आपको बताई जाएंगी कुछ उसके कर्तव्य होते हैं जो उसको बताए जाएंगे कुछ उसके अधिकार होते हैं जो संविधान के अनुसार होते हैं उसको बताए जाएंगे कर्तव्य और अधिकार दोनों बताने के बाद में और कंसेंट लेने के बाद में आप हाउस के मेंबर बन जाते हैं हाउस इसको पास करता है यानी सदन इसको पास करता है सभी लोग इस बात को डिसाइड करेंगे अगर आपको वहाँ किसी ने प्रपोज किया है किसी व्यक्ति ने यह कहा है कि ये व्यक्ति अच्छे हैं अच्छा काम करते हैं सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं हाउस इस बात को एग्री करता है तो आपकी मेंबरशिप वहाँ इक्वल आ जाती है और फिर आपको हाउस के बाकी मेंबर के साथ में आपको अधिकार मिल जाते हैं और आपकी जिम्मेदारियां तय होनी शुरू हो जाती हैं तो आपको करना क्या है जो काम आपको आता है जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं जो भी काम जानते हैं वो समाज के भले के लिए भारत के लोगों के लिए भले के लिए आप उसको कैसे कर सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं यह आपके ऊपर है काम आपको कोई नहीं बताएगा आप क्या काम करना चाहते हैं आप खुद बताएंगे उसका खुद प्रपोजल लेके आएंगे प्रस्ताव लेके आएंगे हाउस उसको अगर एक्सेप्ट करता है उस पर डिस्कस करता है उस पर निर्णय लेता है और बहुमत आपके साथ जाता है तो जो प्रस्ताव आप कहेंगे वो फिर पूरे हाउस का प्रस्ताव हो जाता है फिर पूरे हाउस को वो काम करना पड़ेगा अगर वो आप प्रस्ताव को पास कर लेते हैं आपका प्रस्ताव अगर डाउन हो जाता है तो फिर हाउस उसको काम को नहीं करेगा यहाँ जितने भी काम होते हैं लोगों के बहुमत के आधार पर होते हैं व्यक्तिवाद की यहाँ कोई जगह पहले दिन से नहीं है और आखिरी दिन तक भी नहीं रहेगी ना यहाँ जातिवाद की जगह है अगर आप किसी जातिवादी सेंटर में काम करते हैं जातिवादी सोच रखते हैं या जातिवादी मानसिकता है तब भी आपके लिए यहाँ कोई स्थान है नहीं क्योंकि यहाँ एक नियम पास है कि हाउस के अंदर कोई भी जाति की बात नहीं करता है आप किसी भी अहदे किसी पद पर हो सकते हैं बहुत बड़ी अच्छी जानकारी हो सकती है और आप बहुत साधारण भी हो सकते हैं बहुमत अगर आपके प्रस्ताव को पास करता है तो आप इसके मेंबर हो सकते हैं इसका मेंबर बनने के लिए सिर्फ एक शर्त इसमें है कि आप समण होने चाहिए समण का मतलब है जो भगवान बुद्ध ने जो समण और भ्रमण दो शब्द बताए हैं समण का मतलब है जो समता में रमन करते हैं समता में रहते हैं जिनको आज के समय एस सी एस टी ओ बी सी या मूल्यवासी या बहुजन बोलते हैं उनको एक समण कहा गया है आप यहाँ आइए आकर देखिए ऐसी पस्सी को धन्यवाद